नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर ट्रैक यूरो 45 प्लस ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर एक 47 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है, ये जो ट्रैक्टर आपको टू ड्राइव फोर ड्राइव दोनों इवेंट में मिल जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों इवेंट की जानकारी दूंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 47 हॉर्सपावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए जो कि आपके रोजमर्रा के खेती काम काफी आसानी से कर पाए, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बड़े चॉइस रहेगा। ये ट्रैक्टर जो पडलिंग के काम के हिसाब से, रोटावेटर, थ्रेशर और बाकी नॉर्मल खेती काम के हिसाब से काफी बढ़िया रहता है। ट्रैक्टर एवरेज काफी बढ़िया देता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। इस ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, काफी लो मेंटेनेंस ट्रैक्टर माना जाता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। टू ड्राइव ट्रैक्टर जो कीमत है तकरीबन 7 लाख के आसपास रहती है, और अगर हम बात करें फोर ड्राइव इवेंट वाले ट्रैक्टर की कीमत के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की कीमत तकरीबन 7.5 लाख के आसपास रहती है। ट्रैक्टर की कीमत जो कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि कृषि यंत्रों की कीमत जो फिक्स नहीं रहती है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से भी कीमत जो वेरी कर सकती है। मैंने जो आपको कीमत बताई, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। कीमत एकदम फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 47 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2761 CC की पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर इंजन के RPM की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2000 RPM जनरेट करता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको कूलेंट कूल टाइप वाला कूलिंग सिस्टम दिया गया है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इंजन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया मानी जाती है और इंजन जो काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लच जो चुन सकते हैं। लेकिन फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल डुअल क्लच ही मिलती है। इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है, जिस वजह से गियर डालना काफी आसान हो जाता है और बैठक भी ट्रैक्टर में काफी बढ़िया आती है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर गियर के बारे में, तो टू ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फोर ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर के गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 8 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। अगर आपको पडलिंग काम के हिसाब से ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे हिसाब से पावर ट्रैक यूरो 45 प्लस फोर ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर के लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्पीड के बारे में। तो ये जो ट्रैक्टर फॉरवर्ड गियर पर तकरीबन 34 किलोमीटर प्रति घंटे के तक भाग सकता है, काफी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मल्टी प्लेटेड ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़े ब्रेकिंग सिस्टम माना जाता है। तेल में डुबा जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफी ज्यादा भरोसेमंद है और काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर में एक्सेलरेटिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो तकरीबन 1600 किलोग्राम, काफी बड़ी लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको सेंसी 1 टाइप वाली लिफ्ट देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रेसिसली काम करती है। काफी हैवी लिफ्ट जो इस ट्रैक्टर में दी गई है, और इस ट्रैक्टर में आपको लाइव हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। फिलहाल किसान भाई, मेरी सलाह यही रहेगी आप इस ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग के साथ लीजिएगा, क्योंकि पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर की आजकल डिमांड ज्यादा है, रीसेल वैल्यू भी ज्यादा है, तो पावर स्टीयरिंग लेने से आपको ही फायदा है। ट्रैक्टर काफी स्मूथली चलेगा, काफी प्रेसिसली चलेगा, और कल को अगर आप ट्रैक्टर बेचते हैं तो आपको रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिलेगी। और अगर आप फोर व्हील वाला ट्रैक्टर लेते हैं, तो उसमें आपको केवल पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा, उसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। काफी बढ़िया फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है, और ये ट्रैक्टर जो एवरेज काफी बढ़िया देता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्पिन शाफ्ट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के RPM के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 540 RPM जनरेट करता है, और इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 1000 RPM जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के हॉर्सपावर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 40 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। आप इस ट्रैक्टर पीटीओ की मदद से रोटावेटर, थ्रेशर जैसे कई सारे इंप्लीमेंट जो काफी आसानी से चला सकते हैं, ट्रैक्टर जो पीटीओ पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें टू व्हील ड्राइव वाले ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर में आपको 6.5x16 का फ्रंट टायर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 13.6x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है,
और इस सेक्टर में आपको 14.9x28 का प्रेजेंट साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 4 डे वेंट वाले ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें सेक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में तो इस सेक्टर में आपको 8x18 का फ्रंट साइज देखने को मिल जाता है और इस सेक्टर में आपको 9.5x18 का फ्रंट साइज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सेक्टर प्रेजेंट टायर के साइज के बारे में तो इस सेक्टर में आपको 13.6x28 का प्रेजेंट टायर साइज देखने को मिल जाता है और इस सेक्टर में आपको 14.9x28 वाला प्रेजेंट टायर साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अपन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैक्टर के जो टायर साइज है वो चुन सकते हैं। टायर साइज कंपनी ने काफी बढ़िया दिए हैं। फिलहाल मेरी सलाह यह रहेगी आप जितना बड़ा टायर साइज लेंगे ट्रैक्टर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देगा, उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा और उतनी ज्यादा स्पीड देगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल घर के काम ही रहते हैं तो आप इस ट्रैक्टर को छोटे टायर साइज के साथ भी ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 2 डे विंड वाले ट्रैक्टर के टोटल वजन के बारे में। तो वो तकरीबन 2070 किलोग्राम, व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2060 एमएम, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 425 एमएम, और अगर हम बात करें 4 व्हील वाले ट्रैक्टर के व्हील बेस के बारे में तो वो तकरीबन 1885 एमएम, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 460 एमएम। अगर आप ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो काफी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जो सेक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर की हाइट काफी बढ़िया है, ट्रैक्टर कहीं पर अड़ेगा नहीं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। चलिए हम बात करते हैं सेक्टर वारंटी के बारे में। तो इस सेक्टर में आपको तकरीबन 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया बात है। फिलहाल किसान भाई मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर में आपको ज्यादा वारंटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन फिर भी ज्यादा वारंटी होने की वजह से आप काफी ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई भी बड़ा मेजर इशू आता है तो कंपनी जो उसको रिजोल्व करके देगी, और वैसे भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है, स्पेयर पार्ट से लेकर सर्विस भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है, और यही कारण है इस ट्रैक्टर की जो रीसेल वैल्यू वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है और ट्रैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है। तो फिलहाल किसान भाई इतनी जानकारी पावरट्रैक यूरो 45+ ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भाई अगर आपने अभी तक पावर ट्रैक के बाकी ट्रैक्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने चैनल किसान खबरी पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.